कहते हैं कांटों से भरी चंबल घाटी में शेर नहीं होते, पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं चंबल के पांच खूंखार डाकुओं के बारे में जिन्होंने चंबल की घाटियों में अपना खौफ कायम किया। पहला, मोहर सिंह गुज्जर। 1960 से 70 के दशक में मोहर सिंह ने चंबल में बहुत आतंक मचा रखा था। 1965 में माधो सिंह के साथ मिलकर मोहर सिंह ने करीब 500 सदस्यों का गिरोह बनाया। मोहर सिंह ने इतना आतंक मचा दिया था कि पुलिस चंबल में घुसने तक से खौफ खाने लगी थी। मोहर सिंह के ऊपर 80 से ज्यादा हत्याएं, 350 से ज्यादा लूट, अपहरण, डकैती और हत्या की कोशिशों के मामले दर्ज रहे। मोहर सिंह गैंग पर उस समय का सबसे ज्यादा 12 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था, जिसकी आज समय में कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई जाती है। मोहर सिंह गुज्जर ने अपनी पत्नी और बेटी की सिर्फ इसलिए मार कर हत्या कर डाली थी क्योंकि मोहर को अपनी पत्नी और बेटी के चरित्र पर शक था। आखिरकार 1972 में उसने अपने 500 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरा, रामबाबू गडरिया। रामबाबू गडरिया के गिरोह में 80 से ज्यादा डाकू थे। कहते हैं रामबाबू अपने साथियों को बदल बदल कर उपयोग करता था, इसके बदले उन्हें हिस्सा दिया जाता था। आंकड़े बताते हैं कि 1997 से गडरिया गैंग ने कई लोगों को अपहरण करके लगभग 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिसकी आज समय में कीमत करीब 30 करोड़ है। रामबाबू तथा उसके भाई दया राम सहित पूरे गिरोह पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। साल 2000 में इस गिरोह के कई सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। अकेले रामबाबू गडरिया की गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। साल 2007 में रामबाबू गडरिया की पुलिस से मुठभेड़ में मौत हो गई थी। तीसरा, डाकू मलखान सिंह। 6 फीट लंबा कद, चेहरे से बाहर निकलती मूछें और खाकी वर्दी, सालों तक ये चेहरा चंबल के इलाकों में खौफ की तस्वीर बना रहा। डाकू मलखान सिंह के गिरोह में करीब 1.5 दर्जन लोग थे। इस गिरोह पर 35 पुलिस वाले समेत 175 हत्याएं करने का आरोप था। मलखान सिंह की छवि एक अलग तरह के डाकू की बन चुकी थी। उनका मानना था कि आजकल के लोगों से तो बढ़िया हम चंबल के डाकू थे। वो बताते हैं भीड़ों में 25-25 महिलाएं लकड़ी बीनने आती थी, लेकिन किसी भी डाकू ने हाथ लगाना तो दूर कभी बुरी नज़र से भी नहीं देखा था, जबकि आजकल तो महिलाओं के साथ सड़क, स्कूल, अस्पताल, कहीं पर भी रेप हो जाता है। 1980 के दशक में मलखान सिंह गुर्जर ने अपने गिरोह के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। चौथा, पान सिंह तोमर। देश के लिए दौड़ने वाला पान सिंह तोमर डाकू बन सकता है, ऐसा किसने सोचा था। लेकिन एक जमीनी विवाद, जब उसकी जमीन हड़प ली गई और उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तब उसने निश्चय किया कि अब राजपूतों की शान वापस पटरी पर लानी है, और वह चंबल के बीड़ों में टूट पड़ा। कहते हैं पान सिंह को पकड़ने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। सन 1981 में पान सिंह का भाई पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जिसके बदले में पान सिंह ने गुर्जर समुदाय के 6 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद पान सिंह ने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को सीधे चैलेंज कर दिया था, जिससे उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने पान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान सुना दिया। अक्टूबर 1981 में लगभग 10,000 की फोर्स ने अकेले पान सिंह को घेर कर मार गिराया। पांचवा, निर्भय सिंह गुज्जर। निर्भय सिंह गुज्जर चंबल के आखिरी बड़े डाकुओं में से एक था। इटावा के बिठौली थाना क्षेत्र के पहले निवासी निर्भय गुज्जर ने 1.5 दशक तक चंबल के भीड़ों में राज किया। उसके ऊपर लूट, हत्या, टकैती, अपहरण के 100 से ज्यादा मामले UP-MP में दर्ज थे। निर्भय सिंह गुज्जर के ऊपर सरकार ने 5 लाख का इनाम रखा था। गुर्जर का ऐसा आतंक था कि उसके फतवे से प्रधान विधायक चुने जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सन 2005 अक्टूबर में एक कुशल रणनीति के तहत निर्भय सिंह गुर्जर को मार गिरा।